हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान सरकार ने 69 आईएएस अधिकारियों के किए तबादले, 5 जिलों के कलेक्टर और 3 संभागों के आयुक्त बदले, गौरव गोयल को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया। जयपुर करौली हिंसा के 12 दिन बाद गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को वहां से हटा दिया है। उनके स्थान पर आईएएस अंकित सिंह को करौली का कलेक्टर लगाया है। शेखावत को आयुक्त विभागीय जाँच बनाया गया है। इसके साथ ही गहलोत ने बुधवार आधी रात को ब्यूरोक्रेसी के बड़े बदलाव करते हुए 69 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इसमें सचिवालय से लेकर जिला स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। तबादला सूची में करौली समेत 5 जिलों के कलेक्टर और 3 संभागों के आयुक्त बदले गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 7 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वहीं 2 आरएएस अधिकारी भी बदले गए हैं। नगर निगम जयपुर ग्रेटर के आयुक्त को भी बदल दिया गया है। वहां से यज्ञ मित्र देव को हटाकर महेंद्र सोनी को आयुक्त बनाया गया है। यज्ञ मित्र सिंह देव को मानव अधिकार आयोग में सचिव लगाया गया है। तबादला सूची के अनुसार वीनू गुप्ता को एसीएस उद्योग, सुबोध अग्रवाल को एसीएस खान एवं पेट्रोलियम, सुधांश पंत को अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण मंडल, शिखर अग्रवाल को प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण और श्रेया ग्रह को प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग लगाया गया है। विकास भाले को संभागीय आयुक्त जयपुर, डॉक्टर पृथ्वीराज को सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, रवि जैन को आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण और गौरव गोयल को मुख्यमंत्री का सचिव लगाया गया है। करौली के अलावा बांसवाड़ा, अलवर, प्रतापगढ़ और जालौर के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं। बांसवाड़ा में प्रकाश चंद्र शर्मा, अलवर में नकाते शिव प्रसाद, प्रतापगढ़ में सौरभ स्वामी और जालौर में निशांत जैन को कलेक्टर लगाया गया है। इसी तरह जयपुर के साथ ही भरतपुर और जोधपुर के संभागीय आयुक्त भी बदले गए हैं। जोधपुर संभाग के कमान वरिष्ठ आईएएस जितेंद्र कुमार और भरतपुर संभाग के बागौर सांवरमल वर्मा को सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि करौली हिंसा के बाद राजस्थान के कई शहरों में धारा 144 लगाई जा चुकी है। करौली हिंसा के बाद बीजेपी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमलावर हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास कर रही है। करौली हिंसा पर प्रदेश में सियासत जमकर गरमाई हुई है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।